बड़ी बाटी तो सेक के तैयार है, अब छोटी बाटी डालेंगे हम, क्योंकि इस आग पे जल्दी से डाल देते ताकि हमें ज्यादा आँच ना लगे। तक खाना नहीं बनेगा तब तक इन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। ये कम से कम 8-10 है, अभी 2-3 नहीं आए हैं। सामान है चूल्हा जो है इमरजेंसी में ईंट का बनाया है यहाँ पे, ये छोटा सा जो घर है इसके यहाँ बरामदे में, और अभी दाल वाल पक रही होगी शायद, वहाँ पे भी आटा गूंथने का काम चल रहा है, और इधर लहसुन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का कांटल क्षेत्र की पावन भूमि प्रतापगढ़ राजस्थान से। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। बाकी आज है रविवार और आज हमारे गांव में उज्जैनी रखी गई है। उज्जैनी का मतलब होता है कि हम सभी ग्रामवासी मिलकर खेतों पर जाएंगे, वहाँ पर दाल बाटी चूरमे का भोग इंद्र देवता को लगाएंगे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने उज्जैनी का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हमारे गांव में जो फसलें हैं सोयाबीन की फसल लगा रखी है, आसपास गांव में बारिश की कमी है, जिससे इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। तो हमने भी सुबह सुबह तैयारी कर ली है, ट्रैक्टर ट्रॉली में जो भी कंडे वगैरह दाल बाटी का सामान भोजन का सामान जमा लिया है, और सबसे पहले हम खेतों पर जाएंगे, वहीं पर भोजन बनाएंगे। सभी ग्रामवासी मिलकर खेतों पर जाएंगे, अपने अपने खेतों पर भोजन बनाएंगे, इंद्र देवताओं को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम सभी खाना खाएंगे। तो आज है संडे, तो छोटे मोटे जो भी बच्चे हैं सभी परिवार वाले मिलकर हम जाएंगे खेतों पर। आज बच्चों की भी छुट्टी है। हमने जो ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर तैयारी कर ली है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली, इसमें सभी बच्चे भी बैठ गए हैं, सामान रसोई का यहाँ पर पड़ा है, कंडे वगैरह जो भी दाल बाटी चूरमे का सामान सब ले लिया है। यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर पड़ा है और करते हैं ट्रैक्टर स्टार्ट। चले चले खेतों पर, चलो नीचे बैठो, नीचे ठीक है, नीचे बैठो। और नहीं आए? ट्रॉली में, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आगे। प्रिंस बाबू भी है क्या? प्रिंस आप भी आ रहे हो क्या? आप भी आ रहे हो खेत पर हैं? क्या क्या करने के लिए जा रहे हो खेत पर? लड्डू कहीं ले जाएगा? कूड़े कहीं ले जाएगा? लड्डू पार्टी। ओ बाबू लड्डू। तो हम ये अपने घर से निकल चुके हैं, हम 5 भाइयों का परिवार है इस ट्रॉली में। बाकी अभी जेंट्स वगैरह सब बाइक से आएंगे, लगभग हम 35 से 40 बच्चा बच्ची सभी होकर 40 जने हैं। सभी का भोजन एक ही खेत पर बनाएंगे, एक ही कुएं पर। तो हम गांव से निकल चुके हैं खेतों के लिए। अभी हम खेतों पर पहुंच चुके हैं और अब जो है सभी सामान वगैरह नीचे उतारते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी पानी की है, बारिश में लाइट वगैरह आती नहीं है खेतों पर, तो पानी जो है हमें हाथों से कुएं से खींचना पड़ेगा। तो वह आने के बाद जो सब सामान हमने ट्रैक्टर में से उतार लिया है, अभी कंडे वंडे लगाने, बाकी मम्मी वगैरह सब वहाँ पर आटा अटवा आटा गूंद रहे हैं। पानी जो है हमने कुएं से जो भर लिया, और छोटे छोटे बच्चों को सबको मैंने आम के छाया के नीचे बिठा दिया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि यहाँ पास में कुआं है,
तो कुएं के जो बाउंड्री वाले थोड़ी छोटी हाइट कम है इसकी, 1-2 फीट की है, और ये बच्चे जो है जाके कुएं के अंदर पानी देख रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत होता है। सबसे ज़्यादा निगरानी इनकी रखनी पड़ती है हमें। अभी छोटे छोटे बच्चा पार्टी को हमने आम की छाया के नीचे बिठा दिया है, वैसे आज धूप कम है, तो यहाँ पर पाल वाल बिछा के नीचे इनको बिठा दिया आराम से, ताकि ये बार बार कुएं के पास ना आए। कुएं में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि इसकी जो हाइट कम है, इसकी जो बाउंड्री वाल है इसकी हाइट कम है, तो छोटे बच्चे अंदर गिर जाते हैं। इसलिए ये सब रसोई का सामान है, चूल्हा जो है इमरजेंसी में ईंट का बनाया है यहाँ पे, ये छोटा सा जो घर है इसके यहाँ बरामदे में, और अभी दाल वाल पकड़ी होगी शायद, वहाँ पे अभी आटा गूंथने का काम चल रहा है, और इधर लहसुन प्याज का काम चल रहा है। चंदू और पिंटू दोनों भाइयों का काम है कंडे लगाना आग, तो इन्होंने आग तो लगा दी है, बस अभी बाटी बन जाएगी, उसके बाद हम बाटी सेकेंगे। अभी बारिश हल्की फुल्की हुई थी, तो अभी खेत के आसपास जो भी मेड़ है, मेड़ पर मतलब हल्की फुल्की जो है घास उग गई है, बाकी बारिश थोड़ी ज़्यादा होती तो अच्छे से चारों तरफ हरियाली हो जाती है। अभी सोयाबीन कहीं कहीं तो बाद में लगाए थे, इनकी हालत थोड़ी ज़्यादा डाउन है। तक खाना नहीं बनेगा तब तक इन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, ये कम से कम 8-10 है, अभी 2-3 नहीं आए हैं, अभी 1-2 तो घर पे ही है शायद, और जीविका जो है वो स्कूल है, और कौन नहीं है यहाँ पे, कौन नहीं आया, बिल्कुल एक अपने वो है ना बाबू, क्या नाम बाबू, वैदिक, हाँ वैदिक आज नहीं आया, अभी घर पे ही है, बाकी लगभग सभी हैं, 2-4 इधर बैठे हैं और 2-4 इधर बैठे हैं, तो जब तक खाना नहीं बनेगा तब तक इनको संभालना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम इनको लेके छाया में आराम से बैठे हैं, इधर ट्रैक्टर लगा दिया ताकि ये भी खेल ले, और आधा इधर आम की छाया में बैठे हैं। कुछ सदस्य घर पे छूट गए थे, वो अब जो हमारे लाला अंकल जी है वो उनको लेके आए हैं, बाकी अभी खाना बनते बनते जैसे जैसे खाना बनेगा वैसे वैसे अभी सदस्य और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी आधी टीम घर पर है। हमारे जो बाटी जो है बनके तैयार है, बस उसको कंडे पर सेकना है, सेकने के लिए यहाँ पर आग लगा रखी है कंडे की, सबसे पहले बड़ी बड़ी बाटी को सेक रहे हैं वो चूरमे के लिए। खानी चूरमा खाना, पार्थ चूरमा खाना, बाटी हमारे खेत पर सेकी जा रही है, जो कंडे पर सेकी जा रही है नेचुरल तरीके से, उसका स्वाद सबसे अलग है, क्योंकि जो बाटी जो है अपने घर के कंडे पर आग पर जो सेकी जाती है उसका स्वाद सबसे अलग होता है, और दाल भी जो कुएं पे बनती थी आज जो टेस्ट है इसका सबसे अलग टेस्ट होने वाला है। बड़ी बाटी तो सेक के तैयार है, अब छोटी बाटी डालेंगे हम, क्योंकि इस आग पे जल्दी से डाल देते हैं ताकि हमें ज़्यादा आँच ना लगे। सभी लगे हैं अपने अपने काम में, यहाँ पे चल रही बाटी की सफाई, करो सफाई, लड्डू लड्डू कदी बनेगा, जो आग पे कंडे पे बाटी जो सेकी होती है उसका स्वाद भी अलग होता है, उसका जो आकार भी अलग होता है, कितनी सुंदर और अच्छी बाटी बनी है।
कि कल हमने इस खेत में डोरा लगाया था, खरपा लगाया था खरपतवार हटाने वाला, तो ये पूरा खेत जो है साफ हो गया है, बहुत कम इसमें खरपतवार बचा है। और वहाँ पर चल रहा हमारा बाटी चूरमे का काम, सब्जी यहाँ पर अंदर बन रही है घर के अंदर चूल्हे पे, वहाँ पर बाटी की साफ़ सफाई कर रहे हैं और सभी बच्चे जो है यहाँ पर छाया में बैठे हैं। थोड़ा सा हम बाजरा कट कर लेते हैं, गाय को डाल देते हैं, दाल बाटी और चूरमा बनकर तैयार है। तो हम थोड़ा जो इंद्र देवता को थोड़ा भोग लगा देते हैं, हमारे माता जी का स्थान है वहाँ पर थोड़ा हम प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम सभी भाई लोग जो है भोजन करेंगे। हमने इंद्र देवता को भी जो है भोग लगा दिया है यहाँ पर, और अगरबत्ती भी लगा दी है, लड्डू भी हमने चढ़ा दिया है। बाटी बनकर तैयार है और इंद्र देवता को हमने भोग लगा दिया, बाकी यहाँ पर बन रहे हैं लड्डू। लड्डू यहाँ पर मिक्सर नहीं, इसलिए हाथ से ही कूट कूट कर सभी लड्डू की तैयारी कर रहे हैं। ये चूल्हे पर बारीक सेकने के बाद ये इस प्रकार से तैयार हो गया है हमारा चूरमा। इसमें हम थोड़ा और घी मिलाकर इसका हम लड्डू बनाएंगे क्या है। और अब जो है सभी को जिमाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सभी मेंबर्स फैमिली मेंबर्स ने खाना वाना खा लिया है और सभी जो सामान है वापस हम इस ट्राली में लोड करते हैं, वापस सब निकलते हैं घर की ओर। बाकी बारिश की अभी तक कोई संभावना नहीं है, कुछ कुछ बादल हो रहे हैं, हो सकता है शाम तक आ जाएगी या फिर कल वल आएगी। सही, अभी इस ट्राली में बैठ गए हैं और वापस अब चलते हैं घर पर, ट्रैक्टर जो है चलाना है। तो हम वैसे अब निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं। बाकी मौसम थोड़ा आज लग रहा है ऐसे बारिश आने जैसा, हल्के हल्के बादल ज़्यादा हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आज या कल तक बारिश आ जाएगी। घर पर पहुंच गए हैं और फटाफट ट्राली जो खाली करते हैं और बारिश भी आने वाली है, इस ट्रॉली को वापस खाना अंकल जी के यहाँ छोड़ना है, तो जल्दी से सामान जो है हम उतार लेते हैं। और ट्रॉली जो है कान्हा अंकल जी के वहाँ टीन सेट छपरे में लगानी है। तो अभी शाम के 5:30 बज गए हैं, हम सभी भाई लोग आए हैं अपने खेतों पर घूमने के लिए। दिन में हमने सभी ने अपने अपने खेत पर लड्डू दाल बाटी खा के घर आ गए थे, उसके बाद वापिस अभी शाम का समय है और बारिश तो आई थी लेकिन हल्की फुल्की आई, वापिस बंद हो गई। लगता है कल तक बारिश आ जाएगी हमारे गाँव में। और अभी हम आए हैं अपने खेतों पर घूमने के लिए, तो एक बार मैं आपको पूरा अपने खेतों का आसपास का नज़ारा बता देता हूँ। शाम के 5:30 बजे जो हमारे खेतों के आसपास का जो मौसम है, वो इस प्रकार से हल्के फुल्के चारों तरफ बादल लग रहे हैं लेकिन बारिश आज आई नहीं है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो ऐसा लग रहा है कल तक जो है बारिश आ जाएगी। बाकी हम भाई लोगों ने इन सभी खेतों में घूम लिए, वापस चलते हैं घर पर। बाकी यहाँ पर एक बहुत बड़ा आम था, ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, पूरा सूख चुका, पूरा पेड़ जो है इसको काट दिया गया है, बस इसका थोड़ा सा अस्तित्व बचा है, ये तना ये भी खत्म हो जाएगा, इसको हम आमड़ी बोलते थे पहले। तो जब भी हम शाम के समय में घूमने के लिए आते हैं तो गांव से सीधा रास्ता यही है, हम इसी रास्ते पर घूमने के लिए आते हैं क्योंकि शाम के समय में खेतों के आसपास का जो नज़ारा है बहुत सुंदर दिखाई देता है। और अभी जो बरसात के मौसम में चारों तरफ अच्छे से हरियाली हो गई है, सुंदर सुंदर जो है सोयाबीन की फसल खड़ी है और चारों तरफ हरियाली हो गई। वैसे अभी इस बार बारिश बहुत कम हुई है, जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी वैसे वैसे और हरियाली बढ़ती जाएगी। बाकी आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।